बोल रहा है जो मेरा धर्म अथी कीजिए नहीं तो मार देंगे। कौन बोल रहा है? तनवीर खान। क्या बोल रहा है? जो मेरा जो जैसे वो अथी मुसलमान है ना, तो मुसलमान आप मेरी बेटी का शादी कर दीजिए, क्यों नहीं कीजिएगा शादी? क्यों ऐसा जोर दे रहा? पता नहीं क्या उसके दिमाग में है। उससे कैसे संपर्क हुआ आपकी बेटी का? संपर्क तो बचपन से ही उसका अथी मॉडलिंग का अथी था, शौक था, तो उसी अथी में गई। उसको क्या कॉल किया और वो अपना नाम भी यस नाम से वो अथी किया है। यस वहाँ मॉडलिंग भी चला रहा है यस के नाम से। वहाँ भी रांची में भी जो उसका अथी है ना, वो भी यस के नाम से है। नाम परिवर्तन करके वो और बहन का नाम पूनम पूनम भरसक बताया था और वही कह के वो अथी यहाँ से उसके बाद वो थी किया। धीरे धीरे जब मेरी बच्ची को पता चला थी चला तो वो सीधा बोली यहाँ आई, तो उसके बाद से वो काम लेकर के ऊपर से परेशान करता रहा। अब बोलता है जो पैसा दीजिए, हम पैसा खर्चा किए हैं आप लोगों को पैसा गिफ्ट, मेरे सर घर यहाँ देखिए, वहाँ भी घर पर देखिए जो क्या गिफ्ट भेजा है, क्या हम लोग या बच्चा लोग से भी पूछिए। मेरा बच्चा नहीं है लेकिन अपनों से बढ़ कर के सब बच्चा है। क्या चाहते हैं बाबा? हम चाहते हैं उसका अथी हो, समझे, इंसाफ हो, उसको सजा मिलना चाहिए। वो गलत कर रहा, मतलब आपकी बेटी को धर्म परिवर्तन करके हाँ मुस्लिम में कन्वर्ट होकर के शादी करना चाहता है। उसकी बहन को बोला गया जो आप समझाइए अपने भाई को, मेरी बेटी के पास नंबर उसकी बहन का भी था, तो बोला क्या बोली क्या वो जो नहीं ये सब नहीं होगा, अथी मेरा भाई है जिद्दी, जो होगा वो करवे करेगा, जैसे करे वो शादी करवे करेगा। डर तो लग रहा होगा आपको? डर हम नहीं डरते हैं, पर्सनल हम डरते नहीं है, बच्चा मेरा टेंशन तो होगा जी, टेंशन तो बच्चा बाहर में है तो टेंशन तो है ही ना है, हमको अपने जान का खतरा नहीं है, हम नहीं डरते हैं। धमकी भी देता है? हाँ धमकी भी मोबाइल में देखिए वो ठीक करता था जो मार देंगे मेरी बेटी को, दो बार वहाँ पर मारने का ठीक किया, कोशिश किया। कैसे मारने की कोशिश की है? ऑटो से जा रही थी, ऑटो पर वो गला दबाने, ऑटो ये पर गला दबाने, वो अथी ऑटो वाला भी अथी हुआ। उसके बाद मेरी बेटी तुरंत किसी तरह से अपना जान बचा करके उसको पुलिस स्टेशन कॉल किया, तब वो भागा। कहाँ के रहने वाले हैं आप लोग? हम लोग खरीदते भी हैं भागलपुर। भागलपुर पुलिस से क्या चाहते हैं आप? भागलपुर पुलिस से क्या चाहते हैं? मदद चाहते हैं, यही जो मेरे बच्चे को इंसाफ चाहिए। क्या ने बोलता है अभी आपको गाली भी सुने बे किए, जो सुनिए जो कितना वो हरकत। कब से इसके संपर्क में आपकी बेटी थी? ये तो हमको लगता है कितना दिन हुआ होगा, लॉकडाउन जो हुआ था ना, हाँ दो तीन साल से। हाँ मतलब गाली गलौज भी करता है? हाँ अक्सर करता है। हमको लगता था कि यहाँ जो मेरी बेटी रहती थी ना, तो वो काम के लिए करके पेमेंट देने के वजह से तो वो सब करती थी करता था, तो सोचते थे जो चलो भाई काम के वजह से बोलता है गाली, लेकिन हम नहीं सुने थे। लेकिन एक आध बार जब हम सुने तब हमको गुस्सा आ गया, बोले छोड़ दो काम, हमको नहीं करवाना है ऐसा काम, हम कोनो अथी नहीं है ना है, छोटा जात नहीं है ना है जो हम गाली सुनेंगे अथी सुनेंगे, हम लोग अपने हैं। अभी वर्तमान स्थिति क्या है? अंतिम जो बात अभी हुई है आपकी बेटी से, हाँ वो क्या बात हुई है, कहाँ तक क्या है? अभी मीडिया में सारा अथी चल रहा है, अभी तक तो वो गिरफ्तार नहीं हुआ है। गिरफ्तारी चाहते हैं? हाँ हम चाहते हैं जो उसको सजा हो। कहीं ऐसा तो नहीं लगता है कि वो विदेशों से भी संपर्क रखता हो, इस तरह से कर रहा है भाग सकता है क्योंकि उसके पास अथी भी है, वीजा पास। हाँ क्या नाम हुआ आपका? रिंकू सिंह। बेटी का क्या नाम है? मौनवी राज। ये मामला तो जो मैं यस मॉडल में काम करती थी जी। वो तो मैं मॉडल में काम करने की व्यू से गई थी, लेकिन उसका जो गुरु है उसका दूसरा मना मकसद था, वो मना जाति उन्माद फैलाना चाहता है कि धर्म परिवर्तन, मैंने वो दो तीन साल जब वहाँ रही तो वो पूरा ट्रेस ले लिया, अब वो चाहता है कि तुम धर्म परिवर्तन करो, मैंने वो दबाव बना रहा है, पूरे परिवार को ब्लैकमेल कर रहा है जो 8-9 महीना से। उसके खिलाफ पहले भी मुंबई थाना में केस किया गया, वो भाग के यहाँ से मुंबई गई, वहाँ भी उसको जान मारने का प्रयास किया,
किसी तरह भाग के जान बचाई, उसके बाद थाना में केस किया, लेकिन थाना को एक्शन नहीं लिया। जब ये सब कदम उठाया गया है तो अभी सब जो है पत्रकार थाना सब मैंने ए टू जेड वहाँ से लेकर यहाँ तक मैंने पीछे पड़ा हुआ है। वो जो काम करवाता था उसके बदले पैसा देता था, आज वो बोल रहा है कि हम मैंने वो यहाँ का जान गया है कि तो छोटा सा दुकान चलाता है तो हम इसको जो है पैसा के बल पर हम नचा देंगे, लेकिन वो हमको नहीं जान रहा है। हम ऐसे किसान आदमी हैं पैसा से, 10 बीघा धरती है, हम उससे समझता है कि दुकान वाला है इसका 1,50,000 का उका दे, इसको हम मतलब पैसा के बल पे खरीद लेंगे, इसको धर्म परिवर्तन करवा देंगे, ये कर देंगे। क्या बोल रहा है अभी धर्म परिवर्तन के बाद, क्या शादी करवाना चाह रहा है? हाँ मतलब तुम भर धर्म परिवर्तन करो, मतलब जो हम बोलते हैं वो तुम करो, नहीं तो जान से मार देंगे परिवार को। मना उसको धमका रहा है कि उसको बोलता है कि माँ बाप माँ वहाँ जितना भी है सबको हम मना पैसा के बल पे ख़त्म कर देंगे, और उसको बोलता है कि तुम्हारा लाइफ बर्बाद कर देंगे। मुस्लिम धर्म अपनाने की हाँ बात कर रहे हैं वो, लेकिन मेरी बच्ची है, मेरा संस्कार है कि कभी मर जाएगी लेकिन वो धर्म परिवर्तन कभी नहीं करेगी। अब आप क्या चाह रहे हैं प्रशासन से? प्रशासन से यही चाहते हैं कि उसका न्याय करे और उसका मतलब जान का छुट्टी करे, बच्चा अभी उसका लाइफ है, उसको मैंने सपोर्ट दिया जाए, आज मैंने जो सही है उसका उचित मिल रही। कब से इस क्षेत्र में थी आपकी बेटी? इस क्षेत्र में लगभग 4-5 साल से थी, 5 साल से लगभग थी, लेकिन पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। जब उससे जब से उसका कंपनी छोड़ा है तब से जो है वो मैंने चाहता है मेरे ही कंपनी में काम करे, उसका इनकम 3 साल हुआ हाँ 3 साल, लेकिन वो उसका कंपनी जो छोड़ दिया तो उसका मैंने घाटा हो रहा है, वो दूसरा अब कंपनी ज्वाइन करके आगे बढ़ना चाहती है, मुंबई चली गई, उसे वो आगे बढ़ना चाहती है, वो चाहता है कि मैंने नहीं घूम के यहीं आ जाए, वो इसी बात पे ब्लैकमेल करता है। क्या नाम हुआ आपका? राजीव सिंह। बेटी का क्या नाम हुआ? मानवी राज। कहाँ रह रही है अभी? अभी मुंबई में है। अभी क्या स्थिति है उनकी? अभी तो वही इधर फोन तो सब जगह करता है, जो सब उसका ब्लैक लिस्ट में डाल दिया है तो फिर भी मैसेज गंदा गंदा मैसेज करता है।